हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज की इस वाली वीडियो में आप लोगों को किया सोनेट का ग्रेविटी वाला वेरिएंट आप लोगों को दिखाने वाला हूं मैं। और आज की इस वाली वीडियो में ना इस गाड़ी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी। शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को यहाँ पे फटाफट से, और ए टू जेड सारे फीचर आप लोगों को बताने शुरू करता हूँ इस गाड़ी के बारे में। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को फटाफट से। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस गाड़ी की फ्रंट लुक से, तो कुछ इस तरीके की आप लोगों को यहाँ पे जो फ्रंट लुक है वो आप लोगों को देखने को मिलती है, जो कि काफी ज्यादा अग्रेसिव रहने वाली है। किया ने एक जो है एक नया वेरियंट लॉन्च कर दिया जिसका नाम है ग्रेविटी। ये आप लोग देख सकते हैं, ग्रेविटी वेरियंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहुत ही ज्यादा अल्टीमेट फीचर इस गाड़ी के अंदर आप लोगों को मिल जाते हैं, एंड बहुत ही ज्यादा नॉमिनल प्राइस के साथ। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं इस गाड़ी की कीमत की, तो 10,49,900 रुपीस इस गाड़ी का एक शोरूम प्राइस है। और ऑन रोड की बात करूं तो कहीं ना कहीं 12 लाख रुपए के आसपास की आप लोगों को ऑन रोड कॉस्ट करती है दिल्ली में। अगर आप लोगों को ये वाली गाड़ी चेकआउट करनी है तो यहाँ पे स्पर्श किया में ये वाली गाड़ी अवेलेबल है, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हैं। शोरूम के कॉन्टेक्ट डिटेल आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। अब बात करते हैं हम लोग इसके कलर ऑप्शन की, तो आप लोगों को सारे कलर देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। मेरे सामने जो कलर खड़ा हुआ है ये इसका ब्लैक कलर, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा है वाला कलर भी देखने में। और करीबन 7 से 8 कलर ऑप्शन और आते हैं इसके अंदर। अगर आप लोगों को कलर चॉइस किया है मेरे को ब्लैक कलर नहीं लेना, तो आप लोग और कलर भी यहाँ पे ले सकते हैं। गाड़ी के अंदर आप लोगों को कुछ फीचर्स मिलते हैं वो काफी ज्यादा आप लोगों को मिलते हैं एज कम्पेयर टू इसकी प्राइसिंग। प्राइसिंग के मुकाबले आप लोगों को जो फीचर्स दिए जा रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। अब एक बार मैं इसकी चाबी और आप लोगों को दिखाना चाहूंगा, तो इस तरीके का आप लोगों ने इसमें रिमोट की देखने को मिलती है। ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोगों को रिमोट की में क्या क्या मिलता है। एक तो लॉक का बटन आप लोगों को मिलेगा, एक अनलॉक का मिलेगा और एक होल्ड का आप लोगों को मिलेगा। आप लोग इसकी जो बूट है उसको रिलीज यहाँ पे कर सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं बूट ओपन हो जाएगी, लेकिन आप लोगों को ओपन इसको मैनुअली ऐसे उठा के हाथ से करना पड़ेगा। ठीक है, कलर बहुत ज्यादा शाइन मार रहा है आप लोगों को, मैं इसमें पूरा पूरा विजिबल होगा क्योंकि ब्लैक कलर है, काफी ज्यादा बढ़िया लगता है देखने में। दोस्तों काफी कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया इस गाड़ी के बारे में, अब मैं इसकी ना स्पेसिफिकेशन आप लोगों को फटाफट से बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को ना ब्लैक कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा इसके बम्पर पे, नीचे की तरफ आप लोगों को यहाँ पे सिल्वर कलर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे मैट ब्लैक कलर आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को 4 जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। इधर की तरफ आप लोगों को इसमें फॉग लैम्प टाइप देखने को यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को ये जो है ना ये DRL देखने को मिलेगा, जो कि फुल LED DRL रहने वाला है। जब आप लोग इंडिकेटर देंगे तो ये ही इंडिकेटर में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि बढ़िया लगता है। इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ देखेंगे तो फुल LED हेडलाइट आप लोगों को देखने को मिल जाती है। ये आप लोगों को सारी यहाँ पे सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी, और यहाँ ग्रिल जो है इसकी फ्रंट में ग्लॉस ब्लैक कलर में आप लोगों को दी गई है। ये देखो, मतलब ये सारी छोटी छोटी जो चीजें है ना, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना देती है, गाड़ी की लुक को एनहेंस कर देती है। यहाँ आप लोग देखेंगे तो फ्रंट में किया आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि नया लोगो है किया। अब ये हो गई है इस गाड़ी की फ्रंट से बात। साइड से मैं एक बार आप लोगों को ले चलता हूँ, साइड में आप लोगों को दिखाऊं तो ये है इस गाड़ी की साइड लुक, ये भी काफी सही लग रही है देखने में। इधर आप लोग देखेंगे इसकी व्हील्स, ये आप लोगों को ना अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि डायमंड कट में रहने वाले हैं। इसके अलावा टायर प्रोफाइल की आप लोगों से बात करूं तो 215/60R 16 इंच के यहाँ पे आप लोगों को जो टायर है वो आप लोगों को देखने को मिल जाता है। MRF का टायर आप लोगों को देखने को मिलेगा। फ्रंट आप लोगों को जो दो है वो डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगी, पीछे आप लोगों को रियर में ड्रम ब्रेक्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को इस गाड़ी की जो व्हील्स है वो दिखा दी है। अब आप लोगों ना ब्लैक कलर की पूरी गाड़ी पे ना 360 एक क्लैडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये जो है ना बहुत सही काम करती है। अगर आप लोग की गाड़ी कहीं से इफ इन केस फ्यूचर में कहीं टच होती है ना, तो पेंट पे स्क्रैच ही नहीं आने देते, ये अपने ऊपर स्क्रैच ले जाता है और ये आप इजिली रिप्लेस भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा पीछे आप लोग कहेंगे यहाँ पे ग्रेविटी आप लोगों को 3D में ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, जो ये वेरियंट है ग्रेविटी। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो इसमें ना आप लोगों को नीचे ब्लैक कलर की क्लैडिंग दी जाती है, रनिंग बोर्ड वगैरह सब कुछ आप लोगों को मैट ब्लैक कलर में यहाँ पे दिया गया है। बॉडी कलर में डोर हैंडल आप लोगों को मिल जाएंगे, रिक्वेस्ट सेंसर आप लोगों को देखने को मिलेगा गाड़ी के अंदर आप लोगों को, क्योंकि कीलेस एंट्री मिल जाती है। अभी साइड ओवर व्हील्स आप लोग देखेंगे, ये आप लोगों को बॉडी कलर में देखने को मिल जाएंगे, जो भी गाड़ी का कलर होगा वो आप लोगों को मिल जाएंगे विद LED टर्न इंडिकेटर यहाँ पे आप लोग देखेंगे। एंड ये आप लोगों को इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल एंड इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आप लोगों को मिल जाते हैं। यहाँ आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को रूफ रेल्स भी इस गाड़ी में देखने को दिए गए हैं। इस वेरिएंट के अंदर सनरूफ आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे आप लोगों को पीछे एक शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यही सेम लुक इधर की तरफ से भी आप लोगों को मिलती है। अब हम पीछे की तरफ आ जाते हैं, रियर आप लोगों को जो लुक मिलने वाली है वो कुछ इस तरीके की आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। पीछे क्या क्या मिलता है उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को हाई माउंटेड स्टॉप लैंप देखने को मिलेगी, जो कि बल्ब में रहने वाली है। डिफोगर आप लोगों को मिल जाएंगे, एक आप लोगों को वाइपर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा रियर। पीछे आप लोग देखेंगे तो ये ना फुल कनेक्टेड टेल लाइट आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर आप लोग इसे लोअर वेरिएंट लेंगे ना तो उसमें लाइट आपको कोई कनेक्टेड वाली नहीं मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को पूरी कनेक्टेड वाली टेल लाइट मिल जाती है। और ये जो फुल लाइट आप लोगों को दिख पा रहे हैं सब कुछ ही आप लोगों को LED में देखने को मिलेगा, चाहे वो उसके इंडिकेटर हो चाहे वो इसमें रियर टेल लाइट हो, सब कुछ आप लोगों को इसमें LED में देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी सुंदर सा किया का लोगो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा, सोनेट आप लोगों को 3D में ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। रियर इसके रियर बम्पर की लुक, एक
दो, पीछे आप लोगों को दो जो है रिवर्स पार्किंग सेंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी आप लोग यहाँ देखेंगे तो आप लोगों को पीछे की तरफ एक वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा, नंबर प्लेट लगाने की यहाँ पे प्लेसमेंट मिल जाएगी, यहाँ एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलेगा, एक रिफ्लेक्टर देखने को वहां मिल जाएगा, और ये आप लोगों को पीछे ना सिल्वर देखने को मिलेगा ग्लॉस में। बाकी यहाँ आप लोग देखेंगे तो पीछे जो रिवर्स पार्किंग लैंप है जो कि बल्ब में आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। बाकी दोस्तों इधर से आप लोग आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर फ्यूल लिट देखने को मिलेगी इधर की तरफ, इसके अंदर आप लोगों को 45 लीटर का जो फ्यूल टैंक है वो देखने को मिल जाएगा। ये गाड़ी जो है डीजल में भी आती है, पेट्रोल में भी आती है, मैनुअल में भी आती है, ऑटोमेटिक में भी आती है। तो मैंने ना आप लोगों को बाहर से सारी गाड़ी चेकआउट करा दी है, अब हम अंदर बढ़ते हैं, अंदर क्या क्या मिलता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप लोग इसका डोर देखेंगे, कुछ इतना वाइड ओपन आप लोगों को डोर इसका देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा डोर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को डुअल टोन में देखने को मिलेगा, ये ब्लैक कलर में मिलेगा, और यहाँ आप लोगों का सारा लेदराइट सॉफ्ट टच आप लोगों को देखने को मिलेगा ब्लू कलर में। भाई ब्लू कलर के कॉम्बिनेशन में गाड़ी बहुत सी लग रही है, मतलब जो उसका इंटीरियर है ना वो ब्लू और ब्लैक के कॉम्बिनेशन में आप लोगों को मिलेगा ग्रेविटी वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, ये आप लोगों को सिल्वर मिलेगा डोर हैंडल इसका, चारों पावर विंडो, वन क्लिक लॉक अनलॉक बटन मिलेगा, साइड ओवर विंग्स फोल्ड अनफोल्ड करने के लिए यहीं से आप लोगों को दिया गया है, और ये वाला जो बटन है साइड वाली जो विंडो है उसको लॉक करने के लिए यहीं से आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी स्पीकर आप लोगों को मिलेंगे गाड़ी के अंदर, आप लोगों को चारों दरवाजों में स्पीकर दिए जाएंगे, एक बॉटल होल्डर आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ पे आप लोग अपनी अम्ब्रेला भी यहाँ पे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सीट आप लोगों को हाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे देखने को मिल जाती है, और लेदर आप लोगों को सीट कवर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। गाड़ी के अंदर 6 एयरबैग आते हैं इसके अंदर, एंड यहाँ पे आप लोगों को सीट्स के अंदर भी जो एयरबैग्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। सीट काफी मेरे को बढ़िया लग रही है, और सच बता रहा हूँ मैंने आज से पहले इतना बेहतरीन इंटीरियर किसी गाड़ी का नहीं देखा जो कि कंपनी आप लोगों को दे रही है। ये सारी चीजें आप लोगों को बाहर से करवानी पड़ती है, लेकिन यहाँ पे कंपनी आप लोगों को सारी चीजें खुद ऑफर कर रही है सामने से। अब हम लोग पीछे आएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को ये मैनुअल ऐसे पीछे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप लोग गाड़ी के अंदर बैठेंगे तो कुछ इस तरीके की इस गाड़ी की जो लुक है वो आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। ये है इस गाड़ी की इंटीरियर की लुक, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इधर आप लोगों को क्या क्या मिलेगा, सबसे पहले तो एक आप लोगों को ट्रैक्शन का बटन मिलेगा, पुश बटन स्टार्ट आप लोगों को मिलेगा, हेडलाइट लेवलियर वगैरह मिलेगा, और ऑन ऑफ का बटन आप लोगों को मिलेगा। एक बार मैंने इसको ऑन कर दिया है, यहाँ पे आप लोगों को सिल्वर जो है एसी वेंट देखने को मिलेंगे, और ये ब्लैक आप लोगों को मिलेगा। ये है इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को इसके अंदर एक स्टीयरिंग व्हील देखने को मिलेगा, जिसमें आप लोगों को इधर की तरफ इसके मीडिया कंट्रोल्स मिल जाएंगे, और इधर की तरफ इसके MID के जो कंट्रोल है वो मिल जाएंगे। अभी जो MID है ये आप लोगों को इसमें डिजिटल देखने को मिलती है, देख सकते हैं मैंने गाड़ी जो फिलहाल स्टार्ट कर दी है, एंड यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या मिलेगा वो देख लेते हैं। इसमें आप लोगों को ना एक तो फुल डिजिटल ही देखने को मिलने वाला है, सबसे पहली बात ये फुल डिजिटल आप लोगों को मिलेगा, लेकिन जो उसका फ्यूल गेज वगैरह है, टेम्परेचर जो है, और आप लोगों को RPM जो वो आप लोगों को एनालॉग मिलेगी, लेकिन इसके अंदर आप लोगों को सारे नेसेसरी फीचर्स दिखा देगा, जैसे कि गाड़ी के अंदर कितने लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी है, गाड़ी का कौन सा दरवाजा ओपन है, गाड़ी की कितनी चल चुकी है, कितने किलोमीटर अभी और चलेगी, कितनी माइलेज दे रही है, कितनी रेंज दे रही है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को इस गाड़ी के अंदर यहाँ पे शो करेगा। बाकी जो उसका स्टीयरिंग व्हील है ये आप लोगों को हाइट एडजस्टमेंट के साथ यहाँ पे नहीं मिलता, ये आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ टिल्ट आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को वाइपर्स के कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आप लोगों को इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर ऑटो हेडलाइट आती है, एंड वाइपर आप लोगों को इसमें ऑटो नहीं मिलेंगे, ठीक है। बाकी स्टीयरिंग आप लोग देख सकते हैं, सुंदर सा स्टीयरिंग आप लोगों को मिलेगा, डी कट यहाँ पे सॉनेट आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा। इधर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोगों को ना फुल टच स्क्रीन इसके अंदर देखने को मिलेगी, जो कि ना HD में रहने वाली है, और ये आप लोगों को दोस्तों 8 inches की यहाँ पे स्क्रीन जो है वो देखने को मिल जाएगी। इसके टच रिस्पॉन्स की बात करूँ सो ठीक है, काफी बढ़िया टच यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा, स्मूथ टच आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। बाकी मेरे को ठीक लगा इसका जो सारा टच वगैरह है यहाँ पे, मेरे को हल्का सा यहाँ पे लैग है, उसको थोड़ा सा ठीक किया जा सकता है, बाकी सब ठीक है, गाड़ी में ऐसी कोई कमी मेरे को नहीं लग रही है। थोड़ा सा आप लोग नीचे आएंगे तो इसके अंदर आप लोगों को डिजिटल AC यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, AC वेंट आप लोग देख सकते हैं, एंड यहाँ पे आप लोगों को वायरलेस मोबाइल चार्जिंग भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगी इस वाले वेरिएंट के अंदर। नीचे आप लोग देखेंगे तो एक Type-C पोर्ट मिलेगा, एक 12 वाट का सॉकेट आप लोगों को मिल जाएगा, और एक USB पोर्ट आप लोगों को दिया जाएगा। 5 गियर इसके अंदर आप लोगों को मिलेंगे, 2 कप होल्डर आप लोगों को मिल जाएंगे, और एक आप लोगों को हैंड ब्रेक देखने को मिल जाएगी। बाकी जो उसका हैंड रेस्ट है ये आप लोगों को फिक्स मिलेगा, एडजस्टेबल नहीं मिलेगा, इसके अंदर भी छोटा मोटा सामान आप लोग यहाँ पे कैरी कर सकते हैं। इधर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे ग्लव बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पे एयरबैग वगैरह की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अब जो है ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज आप लोगों को दिखा दूँ, देखो ये जो वेरिएंट है ना इसके अंदर आप लोगों को डैश कैम देखने को मिलेगा, जो कि गाड़ी के साथ लगा लगा आएगा, आप लोगों को एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने इस वाली चीज के। यहाँ पे आप लोगों को सनग्लासेस होल्डर मिल जाएगा, ये बल्ब वाली लाइट मिलेंगी, इधर आप लोगों को टिकट होल्डर मिल जाएगा, इधर आप लोगों को एक वैनिटी मिरर मिल जाएगा, और ये जो रियर व्यू मिरर है ये आप लोगों को डे नाइट मैनुअल आप लोगों को करना पड़ेगा इसको ऐसे, ठीक है। बाकी सब कुछ प्रॉपर आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अब हम चलते हैं रियर में, तो एक बार रियर प्रोफाइल आप लोगों को दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके की यहाँ पे रियर प्रोफाइल आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। एक आप लोगों को सबसे पहले ना यहाँ पे कर्टन देखने को मिलेंगे, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में ना मुझे नहीं लगता कोई और गाड़ी आप लोगों को ऑफर कर रही है। इसके अलावा ये सिल्वर आप लोगों को मिलेगा, ये आप लोगों को पावर विंडो पीछे मिल जाएंगी, लेदर राइट यहाँ पे भी आप लोगों को मिलेगा, ब्लू स्पीकर मिल जाएंगे, बॉटल होल्डर मिल जाएंगे, अम्ब्रेला के लिए आप लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा।
बाकी अंदर आप लोग देखेंगे तो कुछ आप लोगों को इस तरीके की सीट मिल जाएगी, 60-40 स्प्लिट सीट आप लोगों को मिल जाएंगी, और एक आप लोगों को यहाँ पे हैंडरेस्ट देखने को मिल जाएगा विद 2 कप होल्डर्स। आइसोफिक्स सीट आप लोगों को दी जा रही है, बाकी आप लोग लुक देख ही सकते हैं। अंदर बैठ के भी एक बार आप लोगों को चेकआउट करा देता हूँ मैं। तो भाई बॉस वाली फीलिंग आएगी इस वाली गाड़ी में बैठने के बाद आप लोगों को, इतने कम प्राइसेस में ना आप लोगों को बहुत बढ़िया यहाँ पे चीजें दी जा रही हैं। पीछे आप लोगों को 2 एसी वेंट मिल जाएंगे, 2 टाइप सी, भाई ये भी बहुत सही चीज लगी, टाइप सी आप लोगों को 2 है, चार्जिंग पोर्ट दी जा रहे हैं और चार्जिंग पे लगा के फोन अपना यहाँ पे रख सकते हैं आप लोग। एक पॉकेट भी दी जा रही है, सेंटर में भी लाइट दी जा रही है और फ्रंट में भी लाइट आप लोगों को मिलेगी, कैबिन लाइट, बहुत सही चीज लगी। बहुत कंपनियां इसमें कोस्ट कटिंग करती है, पीछे लाइट नहीं देती है, मेरे हिसाब से ना बहुत जरूरी होता है। बाकी एक चीज यहाँ पे आप लोगों को मिसिंग लग रही होगी, वो है सनरूफ। सनरूफ इस वाले वेरिएंट के अंदर नहीं आती है। बाकी मैं दरवाजा जो है वो बंद कर लेता हूँ। दरवाजा बंद करने के बाद ना ये आप लोग देखोगे तो मेरी जो हाइट है वो है 5'9", उसके हिसाब से ना डिसेंट सा मेरे को यहाँ पे, बहुत डिसेंट नहीं कहूंगा, डिसेंट से अच्छा है हेड स्पेस यहाँ पे मिल रहा है। बाकी ये वाली सीट मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट है और यहाँ पे मेरे को ना लेग रूम भी काफी सही मिल रहा है, कंफर्टेबली मैं पीछे बैठ पा रहा हूँ। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देख सकते, बाकी पीछे 3 अडल्ट यहाँ पे आराम से आ जाएंगे, मेरे ख्याल से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बाकी म्यूजिक सिस्टम भी गाड़ी के अंदर काफी अच्छा मिलता है, अगर आप लोग कोई लॉन्ग राइड पे जाना चाहते हैं गाड़ी लेके तो वो भी आप लोग आराम से जा पाएंगे, कोई भी दिक्कत परेशानी आप लोगों को यहाँ पे नहीं आएगी। बाकी फ्रेंड्स अगर मैं आप लोगों को इसके एक बार बूट ओपन करके दिखाऊं तो यहाँ से आप लोग इसका जो बूट है उसको ओपन कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आप लोगों को एक जो पार्शल ट्रे है वो फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है, वो एज एन एडिशनल एसेसरीज का पार्ट है। यहाँ पे आप लोगों को इसके अंदर 385 लीटर का जो बूट स्पेस है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि ना मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप लोगों को एक हुक देखने को मिल रहा है, लेकिन लाइट वगैरह यहाँ पे आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगी। बाकी ठीक है, एक फैमिली कार मेरे हिसाब से अगर आप लोग ढूंढ रहे हैं तो परफेक्ट गाड़ी आप लोगों के लिए हो सकती है। बाकी अब हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में, तो यहाँ पे आप लोगों को 1200 सीसी का 1.2 लीटर 1197 सीसी का 4 सिलेंडर इंजन आप लोगों को मिलता है, जो निकालता है 82 बीएचपी की पावर विद 115 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी जो गाड़ी की डायमेंशन है आप लोगों की स्क्रीन पे लिखी आ रही है, आप लोग इसकी डायमेंशन भी देख सकते हैं, आप लोगों के सामने सब कुछ यहाँ पे आ रहा है। सो दोस्तों अगर आप लोग ये वाली गाड़ी लेना चाहते हैं तो स्पर्श किया हमें आप लोग यहाँ पे आ सकते हैं दिल्ली में। बाकी शोरूम की कॉन्टैक्ट डिटेल आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस गाड़ी की वेटिंग पीरियड की बात करूं तो करीबन 8 से 10 हफ्ते का यहाँ पे वेटिंग पीरियड आप लोगों को देखने को मिलेगा इस वाली गाड़ी के ऊपर। आज की वीडियो में इतना ही था, इस गाड़ी से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुंच चुकी है आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं कल शाम 6 बजे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।